दिल्ली के तीन मूर्ति भवन में चैलेंजिंग कंजर्वेशन ऑफ टेंपल इन चंबल वैली विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। इस मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक के मोहम्मद ने व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि चंबल घाटी स्थित बटेश्वर मुख्य मंदिर समेत कई मंदिरों का संरक्षण डाकू निर्भय गुर्जर के सहयोग से हुआ था। देखिए एक रिपोर्ट। गुर्जर प्रतिहार वंश के सम्राटों ने चंबल घाटी में करीब 200 मंदिरों का निर्माण कराया था। इन मंदिरों का संरक्षण डाकू निर्भय करते थे, लेकिन निर्भय गुर्जर की मौत के बाद इन मंदिरों पर खतरा मंडराने लगा। अपने व्याख्यान में इस बात का जिक्र करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक के मोहम्मद ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं के चलते मंदिरों की स्थिति काफी खराब हो गई थी। इसके बाद एएसआई ने प्रसिद्ध बटेश्वर मंदिर समेत कुल 80 मंदिरों का संरक्षण कार्य पूर्ण किया। इलीगल माइनिंग की तरफ उनको जब रोजगार मिलेगा वहाँ टूरिज्म से, आप देखिए कितना टर्न आउट हो जाएगा। समझाने वाला चाहिए, जामवंत चाहिए इस वानर सेना को समझाने के लिए, और जामवंत मोहम्मद साहब है। अगर जोशी साहब की अनुमति हो तो हम अपने संगठन की तरफ से मोहम्मद साहब का, आपका और शक्ति जी का सम्मान करना चाहेंगे। अगर आप हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपकी अनुमति हो तो। इस मौके पर एएसआई के पूर्व निदेशक के मोहम्मद का अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की ओर से चांदी का मुकुट पहनाकर और पगड़ी बांधकर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही समाज सेवी और पत्रकार शक्ति शेखर का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम में महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक नरेंद्र गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गुर्जर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जेपी तंवर, राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्र तंवर, राष्ट्रीय संगठन मंत्री तेजा गुर्जर, राष्ट्रीय महामंत्री अमित खारी, राष्ट्र खबर के CMD महेश बसोया, यूपी के महासचिव एकलव्य बैसला, दिल्ली प्रदेश महासचिव देवेंद्र कसाना, गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष प्रवीण चपराना, अमित अधाना समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सर, गुर्जर प्रतिहारों द्वारा निर्मित मंदिरों का आपने जीर्णोद्वार किया, अब आप गुर्जर समाज के बारे में या इससे आगे क्या रूपरेखा, क्या सुझाव देना चाहेंगे? एक तो ये है कि खत तो ये पूरे देश की धरोहर, ये एज ए होल द टोटल जो पूरी नेशन की है, पूरी देश की विरासत है। लेकिन उसी टाइम में खासतौर जो ना गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का, इससे काफी चीजें नष्ट हो चुकी है, लेकिन अब जो नष्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए कम्युनिटी के इनिशिएटिव जो आगे आना चाहिए। कम्युनिटी की इनिशिएटिव क्या हो सकता है, क्योंकि आजकल भी बहुत रैम्पेंट माइनिंग चल रहे हैं, तो इस माइनिंग को रुकवाने का काम जो ना बाकी लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां का मेजोरिटी कम्युनिटी गुर्जर प्रतिहार कम्युनिटी, तो उनको आगे आना चाहिए। अगर वो आगे आएंगे बाकी लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि उनसे टक्कर लेने का हिम्मत किसी को नहीं है। तो ये ताकत जो ना कम्युनिटी का ताकत जो ना उनको मॉन्यूमेंट की ताकत बना देना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा है जो कम्युनिटी में जो कुछ चल रहा है, कभी ड्रिंकिंग है, ये जो ना ड्रग्स का है, ये सब चीजें रुकवाने का भी जो ना काम बिल्कुल कम्युनिटी आगे आके करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों चीजों में हम लोग समझते हैं कि जो ना कम्युनिटी आगे आ जाएंगे, हाथ और जो ना वीर गुर्जर समाज जो ना आगे आ जाएंगे। आप जैसे नौजवान लोग हैं, जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे और कोई कम्युनिटी कुछ कर नहीं पाएगी। सरकार की तरफ से सरकार सिर्फ मॉन्यूमेंट देख सकते हैं, मॉन्यूमेंट के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन सरकार को भी आपको मजबूर करना पड़ेगा तभी सरकार जो ना मॉन्यूमेंट का काम भी करेंगे। ये तो अभी तक जो हुआ तो वो मैं आउट ऑफ अपने जो ना इनिशिएटिव से लिया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है बाकी लोग भी इतना इनिशिएटिव रखेंगे। लेकिन जब आप मजबूर करेंगे, जब आप मिनिस्टर से सवाल पूछेंगे, तो फिर जो ना उसके लिए वो आगे आ जाएंगे। तो भी हमको तो एक तो कम्युनिटी की ये जो ना इन सब चीजों के लिए चाहिए, एक तो अपनी सारी चीजें जो है जितने भी है वो साफ करें, उसके साथ ही साथ इस मॉन्यूमेंट के लिए भी प्रेशर ग्रुप की तरह आपको आगे आना पड़ेगा। सर, आप गुर्जर समाज को इस मंदिर के पूर्ण जीर्णोद्वार के बारे में क्या सुझाव देंगे या क्या सलाह देना चाहेंगे? समाज कोई भी हो, सबको आना चाहिए अच्छे काम के लिए। अगर गुर्जर समाज खुद आना चाह रहा है समाज की, जाकर के वो मंदिर का जीर्णोद्वार करें, बहुत अच्छी बात है।
शुभ काम, अच्छे काम, भले काम होते रहना चाहिए। साथ साथ मंदिरों का जीर्णोद्धार के साथ साथ मैं गुर्जर समाज को या किसी समाज को ये संदेश देना चाहूंगा, गुर्जर समाज में ही सब लोग तो एकदम संपन्न तो होंगे नहीं, उनमें भी नीचे तबके के लोग होंगे जो गरीब होंगे, कुचले हुए होंगे, तो आप अपनी या लड़कियां जिनकी शादी करवानी होंगी वो गरीब लोग शादी नहीं करवा पा रहे होंगे अच्छी तरह से, लड़के जिनको पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होंगे, लड़कियां भी, लड़कियां पैसे के पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होंगे, तो ऐसे लोगों को आप लोग मदद कीजिए, साथ साथ दोनों वो भी काम कीजिए लेकिन साथ साथ ये भी जोर शोर से कीजिए, हर एक समाज खुद को आगे बढ़ाए, इससे हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े।